सो गाइज हम लोग बाहर आ गए अभी और माशाल्लाह डिमांड करने के बाद दानिश भाई ने कुछ बकरे निकाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी दिखाएंगे, शौक कराएंगे और काफ़ी सारी बातें और करेंगे दानिश भाई से, ठीक है। सो देखते और क्या क्या कर हो रहा है डी गोट फार्म पे। दानिश भाई, हाँ समीर भाई, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कुछ बकरे हमारे कहने पे बाहर निकाले भाई और दिखा रहे हो माशाल्लाह लोगों को। बहुत सारे डाउट्स थे मेरे मन में और लोगों के मन में कि बकरे मतलब जैसे अपनी अंदर बात हुई अच्छा हाँ कि भाई शिफ्ट हुए और दूसरी जगह पर आ गए लगभग 60-70 किलोमीटर दूर, तो बकरे टूटे होंगे, बकरे खराब हुए होंगे या दानिश भाई ध्यान नहीं दे पा रहा होगा, फार्म बनाने में लगा होगा। तो भाई माशाल्लाह क्या भाई, ये बकरे तो तुमने शायद वहाँ भी देखे थे। हाँ हाँ हाँ, ये तो अपना पुराना बच्चा है, माशाल्लाह वहाँ पर भी साल भर पला हुआ बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद भी बकरा फिट है माशाल्लाह। ये बकरा बकरा ईद के टाइम 60 किलो पे था, आज माशाल्लाह 88 किलो पे। वाह क्या बात है। वो बच्चा अपने फार्म का पला हुआ बच्चा, इसकी वीडियो लास्ट ईयर भी आपने शूट किए थे, ये रिपीट हुआ है बकरा, ये बकरा लास्ट ईयर रिपीट हुआ है और अच्छे हुए है, मेंटेन हुए है। नए बकरे भी जो आए हैं माशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, दो एक बकरा आपको दिखाऊंगा मैं जो आपने खुद जाके परचेस किए थे रमजान में, ये रमजान में, रमजान में 7 महीना 8 महीना हुआ रमजान, तरावी पढ़ के गया था मैं, है ना, 7-8 महीना हुआ। कितने किलो का था बकरा जब देखे थे समीर भाई? मेरे अंदाज से उसने लगभग 40 प्लस ही था, 48 समथिंग था बराबर। बकरा आज देखो, अच्छा वाह, वीडियो में नहीं बताऊंगा वो बकरा क्योंकि मेरे को वो बकरा नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है, अपन उसको मैं देखूंगा इंशाल्लाह, वजन भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। 87-88 किलो चल रहा है बकरा, वाह, चार दांत पे। दानिश भाई ये कोटा ही है ना, मालवा में क्रॉस है ये, कितना शॉर्ट हाइट का बकरा है यार ये, मालवा में क्रॉस है लेकिन चीज है, 30 किलो का बच्चा बेचा था मैंने, ये आपने खुद ने सेल किया? साल भर हो गया इसको अपने, अच्छा साल भर से अपने पास पलाई पर है ये सब बकरे ना समीर भाई, मैं नहीं दिखाने वाला था। हाँ हाँ, ये समझो ये तो सिर्फ 5 है अल्हम्दुलिल्लाह, इसे और 50 है अपने पास। क्या बात है, ऐसे और 50 है, इससे भारी इससे थोड़े हल्के भी है, इससे थोड़े भारी भी है। ये बकरा ही देखो माशाल्लाह, सेल्फ फीडिंग 100 किलो माशाल्लाह, ये बकरा माशाल्लाह 80 किलो 80-85 किलो पे है, आराम से होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरा 88 किलो चला गया, इसको तो मैं देख के शौक हो गया, उस दिन ऐसे ही बैठा था मैं, बोला वजन कर ले, वजन किया 88 kg आया, 60 किलो का लिया हुआ बकरा है मेरा, बकरा ईद के टाइम तुम शूट भी तो किए हो भाई, ये बकरा वो जो लौट आया था याद है, याद है मेरे को, अपन ने वहाँ शूट किए थे शायद मंडी में, बराबर मेरे को याद है। तो ये वो वाले लॉट का बकरा है, ये वो लॉट का बकरा है जो बकरा ईद से कुछ दिन पहले अपन लाए थे। हाँ लेकिन क्या तैयार हुआ यार भाई, अभी तो पूरा 6 महीना अपने को बाकी है, है ना, तो वही बात है भाई, शिफ्टिंग होने से फर्क पड़ा नहीं पड़ा ये नहीं, 1-1.5 महीना अपन बहुत परेशान हुए, ऑब्वियसली हो गए, बकरे नई जगह पर आने के बाद में टूटते चढ़ते थोड़ा चेंजेस आता है, तो 1-1.5 महीना बहुत परेशानी हुई, लेकिन आज 3 महीना हो गया अपने को ना फार्म पे, तीसरा महीना चल रहा है, तो 3 महीने में माशाल्लाह अपने बकरे वापस अपनी जगह पे, और बकरों में हम लोगों ने फर्क नहीं आने दिए, आज कोई बकरा ऐसा नहीं है कि वो फार्म पे 100 किलो था तो यहाँ आके 80 किलो हो गया, अच्छा जो वहाँ 80 था वो यहाँ आके 100 ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, 80 से 75 पे भी नहीं गया, नहीं गया, प्लस ही हुआ है, प्लस ही हुआ है, कोई बकरा ऐसा नहीं है कि वहाँ से यहाँ आने के बाद में कम हुआ। वाह क्या बात है दानिश भाई, खाली ये 4-5 बकरों में शौक कराएंगे लोगों का, अब 4-5 तुम्हारी पसंद के बकरे निकाल के दिया हो भाई नहीं अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह, बाकी जो बचे हुए हैं धीरे धीरे रखेंगे ना भाई, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। जैसा अभी तो अपन ये बकरे भी तो इसी मतलब ये एक वीडियो बन रही थी, तो मैं बोला क्यों लोगों को खाली बात करके बोर करने के, वीडियो में कुछ बकरे दिखा दो, क्या तैयारी है अपनी वो दानिश भाई, मैन पावर भी बढ़ा दी होंगे ना यहाँ पे तो? हाँ भाई मैन पावर बढ़ा है, हर चीज बढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है माशाल्लाह। ये ना ये वाला बच्चा इसको मेरे पास हो गया साल भर, ये जंगल से लाया था मैं, जब भी पहला लॉट लाया था ना उसमें का बच्चा दो अदंत था, सॉरी अदंत पे बच्चा मैंने लिया था, साल भर हो गया माशाल्लाह 85 किलो पे है बच्चा, ये लिया था मैंने जब भी जंगल से, करीबन 47-48 किलो का था अदंत। अच्छा ये अवेलेबल है, ये देना है किसमें? इसमें से कोई बकरा बेचना है आपने? ये बकरा सिर्फ देना है, सिर्फ ये बाकी ये भी पलाई का है, वो भी अपना बकरा ईद के टाइम पे बेचे थे पलाई का, ये तो अपने पास बचपन 50 kg पर आया था अल्हम्दुलिल्लाह, 100 kg के आसपास खड़ा है, पलाई का ये बच्चा मैंने अपने शौक के लिए रोका था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे रोका था, दोनों में 40 हाइट कर लिया, छठा था तभी कर रहा है,
छेदन पे 40 की हाइट है। हाँ। और चीज क्या है वो 85 केजी पे सिक्का देखो। ये इन लोग ये जो बकरा है ना ये बकरा वो बकरा इन लोगों के सामने का बच्चा था ये छोटा सा। हाँ। आज इनका बाप बन के खड़ा है। क्या बात कर रहे हैं, इतनी फास्ट ग्रोथ है माशाल्लाह इसकी। अभी तो ये अभी भी उम्र में बहुत कम है, ये लगभग लगभग ये पौने दो साल का हुआ है। ये साल भर का था जब मैं लेकर आ गया, लगभग साल भर मतलब 2 साल कंप्लीट हुआ है बच्चे को। अच्छा। और बकरा है बहुत मस्त है माशाल्लाह, चेहरा बहुत बड़ा, चेहरा बहुत कलर कॉम्बिनेशन, सिक्का और एग्रेसिव माशाल्लाह। सब बकरे जो है जैसे कोटे होते हैं एक्चुअल में वैसे, कोटा गरम भी होना चाहिए, वजन भी होना चाहिए, वजन भी होना चाहिए, प्लस सबसे मेन बड़ा टास्क ये है ना भाई कि उनको मेंटेन रखना, मेंटेन रखना माशाल्लाह। मेरे तो बताऊं मैं, मेरा वन ऑफ द बेस्ट कोटा, मुझे ये बहुत पसंद है माशाल्लाह। क्या खूबसूरत चीज है यार ये नायाब फुटबॉल बकरा माशाल्लाह, फुटबॉल। ओ हो ये देखो, अरे बहुत फोटोजेनिक भी है चीज़ है। लेकिन दानिश भाई एक मिनट, गर्दन देखो भाई इसकी तैयारी देखो, वाह क्या बात है। ये पोजीशन पे ये कितना बताया आपने वेट इसका? ये लगभग लगभग 80-82 किलो पे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बकरा है, अल्लाह इसको नज़र से बचाए माशाल्लाह। कलर कॉम्बिनेशन में हर एक चीज़ में मैं बोला था समीर भाई इंशाल्लाह आप सब्र करो भाई। सब्र मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप बहुत सारे लोगों को सबर करवा रहे हो यार। बस मैं बोला ना भाई सबर करो इंशाल्लाह ताला। हाँ। ऐसे और 50 खड़े अपने पास बताने के, ऐसे एक से एक नगीने शो करेंगे इंशाल्लाह, इससे बड़े भी इससे छोटे भी। चलो सही है, एग्जॉटिक भी बहुत बकरे हैं। सही, जैसा कि अभी अपने अंदर बात हुई थी दानिश भाई के, अपन तो ये समझो भाई कैसे मेरा मालूम है समीर भाई, पूरा साल यूट्यूब पे बेफालतू में आके पक पक करने से अच्छा मतलब वो नहीं जमता अपने को भाई। टाइम पर आओ, अपना काम बताओ, अपने कस्टमर के बकरे बताओ, बस। अच्छा, किसी भी बहाने से यूट्यूब पे आना वो अपने को नहीं जमता है, इंस्टा पे लाइव आओ या जो फैक्ट है वो है। इतना टाइम भी नहीं है, तो बकरे दिखाने का जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह बकरे दिखाएंगे। और अपन किसी से ना बड़े ना किसी से छोटे, अपन अपना काम कर रहे हैं, अपना रिजल्ट बता रहे हैं, अपने काम में मस्त है माशाल्लाह। तो ये जो है समझो एक तरीके की सीरीज की शुरुआत है, अभी हमारी ऐसे अंदर बात हुई, एक तारीख के बाद से इंशाल्लाह जनवरी 2024 रेगुलर दो तीन वीडियोस आती है, एक वीडियो में दो बकरे तीन बकरे। और रही बात ओपनिंग की, तो वो हमारी अंदर बात हुई, वो आपसे अपने सभी लोगों ने सुनी भी है कि भाई ओपनिंग का क्या प्रोग्राम है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो थोड़ी सी अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहने, कंफ्यूजन आज आपका सबका क्लियर कर दिया। सही है, तो इंशाल्लाह ओपनिंग भी होगी, बहुत धमाकेदार ओपनिंग होगी, वो सब कुछ होगा ठीक है। और दानिश भाई जी वीडियो को इसको क्लोज करते हैं कि और कुछ बोलना है और कुछ ये बात करने के लिए समीर भाई अगर हाँ। किसी की रिक्वायरमेंट रहेगी हाँ तो कॉल करें। इसका डिटेल वगैरह क्या बता देता हूँ, 40 हाइट बकरा, 6 दांत फ्रेश लगाया है बकरे ने, 85 किलो वजन है, लाइव वेट ठीक है बकरे। और डिमांड पर्सनल रहेगी क्या कॉल पे? अच्छा डिमांड है तो फिर इस पे बताना मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा है। जो चीज का शौक रखते हैं, जिसको कोटा का शौक है, अच्छी चीज लेना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 95-100 मिनिमम ईद में, ईद तक करके। अगर कोई पल्टी भी करना चाहे तो कर सकता है, पल्टी के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट है। पैर अच्छे बच्चा है अभी एक साल में, तो और ये सब है ना, झोल लटकेगा समीर भाई उसको कैसा, अभी से लटका है देखो, सबको लटकन आ गई है। सही बात है, इसका भी बाकी है। हाँ। ये उतना पका नहीं है बकरा, ये लटकेगा पूरा बकरा, अभी तो इसने शुरुआत की है, छह दांत पे ना बता रहे हो, पर ये फ्रेम में ना इन सबके मुकाबले में बहुत बड़ा है माशाल्लाह। बड़ा तो है नो डाउट, ये बच्चे ने भी समीर भाई ये तो मतलब दिल खुश भाई, ये तो मेरे को देख के भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि ये मंडी का बकरा था, और माशाल्लाह यहाँ आके एकदम अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। और क्या कलर खोला है, क्या पैर पुरजे का बच्चा है माशाल्लाह। जब एक इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि जो हिसाब से ये तैयार हुआ है, इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट दिया ना, बकरा तक अगर 110-115 किलो भी अगर चला गया, और बकरा इसी साफ सुथरा ही रखेंगे अपन, अपनी आदत है बकरा साफ रखना, नीट एंड क्लीन, वजन बाद में चढ़ाना है, बकरा पहले साफ रखना है, अपनी वो पहले से शौक। सही बात है, तो ये बकरा इसका कलर और खुल के बताएगा जब इसके बाल वाल पीछे के सब मेंटेन रहेंगे। काफी है बकरा, ये बकरा बंदा है अभी, खोल के जब देखोगे ना बकरा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छी चीजों को मंडी में इनके सबकी। हाँ। अपन स्लो मोशन वीडियो, अच्छी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं ये बोल रहा था कि अच्छी चीज अगर रुकती भी है ना तो बाद में भी पैसा देके जाती है, देती है बस। मैंने बकरा ईद से एक महीने के बाद बेचो इसको ना। हाँ। बकरा ईद में रुक गया था समझो, बकरा ईद में अपने मतलब के पैसे नहीं आए तो अपने रोक लिए थे, उसके बाद बिका ये। हाँ, मैंने बहुत सारे बकरे ऐसे अपने पर्सनल बकरे रोक के रखा था, क्योंकि ये सब चीजें अपन खुद महंगी खरीदते भाई,
सस्ते कोटे दुनिया के आते, दुनिया के बेचते, अगले इंशाल्लाह 15 दिन बाद मैं सस्ते में कोटे भी लाके आपके चैनल पे बेचूंगा। अच्छा, तो सब शौक है, क्वालिटी का शौक भी है, रेगुलर बकरे लेना है वो भी शौक करेंगे माशाल्लाह। तो भाई कहने का मतलब ये कि अच्छी चीजें रुकती है तो मैं बोलूंगा कि भाई पालो, चार नॉर्मल पालने से अच्छा एक अच्छा पालो, एक अच्छा पालो। मैं जैसे तुमको बताया समीर भाई, तुम्हारे हाथ से खरीदा हुआ बच्चा 45 किलो का बच्चा, तुमने मेरे को क्या अल्फाज बोले थे याद है कि भाई इतना महंगा ले रहे हो? हाँ। मैंने क्या बोला था भाई, साल भर बाद देखना वो महंगाई के सस्ता है। मैंने ही तुमको बोला, मैंने 1000 रुपए किलो के ऊपर खरीदा हुआ बच्चा। बराबर है, बराबर है। हाँ। एकदम फ्रैंक बताओ, 45 किलो का बच्चा मैंने कितने में लिया, तुम खुद मेरे को बोले थे भाई ये तो 1000 रुपए किलो के भी ऊपर जा रहा है। मैंने बोला चलेगा, मेरे को मालूम है ये चीज क्या बनी। आज वो बच्चा खड़ा 88-89 किलो पे, 7 महीना हुआ है, डबल वजन किया है, क्वालिटी तुम खुद देखे थे। अभी भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो देख के कोई मुझे ना बोले कि समीर भाई तुम्हारी नजर से वो बकरा देख कर आओ और मैं फिर परचेज करता हूँ। वो तो भाई हमारे लोगों की बॉन्डिंग ऐसी है कि अगर मतलब इनके साथ कुछ गफलत भी हो जाती है, अल्लाह ना करे। वीडियो आई थी, मेरे को बकरा पसंद था और वो गोवंडी में ही था, आप वहाँ थे। मैंने बोला समीर भाई खाली देख लो पैर वैर अच्छे ना, बाकी क्वालिटी तो क्या अपन देख लिए, पैर वैर देख लो हर चीज। और अगर अल्लाह ना करे उसमें कुछ गफलत भी हो जाती तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम लोग समझ के लेते हैं भाई ठीक है, बाकी अच्छी चीज थी। हाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट दी। बोला ना ये बच्चा भी बच्चा लाया, आज बड़ा हो गया। एक बच्चा और है मेरे पास समीर भाई, मैंने जंगल से लिया था। तुम्हारे चैनल पे उसकी वीडियो भी होगी, मैं ढूंढ के निकाल के दूंगा तुमको, और जिस दिन वो बकरे की वीडियो बनाएंगे ना तो उसके साथ में उसकी बिफोर आफ्टर डालना तुम्हारे ही चैनल की। वो बच्चा मैंने तुम्हारे चैनल पे बनाया था वीडियो, 47-48 किलो का कोटा बच्चा, 37 हाइट पे था, आज 41 हाइट पे है बकरा, और माशाल्लाह माशाल्लाह वजन में 80-85 किलो पे। एक साल और वो सब बकरे अपन एक साल और रोके, पलटी करेंगे, पलटी करेंगे, सही है। तो अगले साल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकरे देखने इंशाल्लाह। और भाई यहाँ आ गए तो देना लाजिम है। देना ही पड़ेगा, सही है, क्योंकि वहाँ जब दे रहे थे तो यहाँ तो देना ही पड़ेगा इंशाल्लाह, है ना। एक से एक चीज देंगे इंशाल्लाह। सो ये वीडियो क्लोज करते दानिश भाई, है ना, और इंशाल्लाह अभी 1 तारीख के बाद हम लोग शूट करेंगे और कुछ ना कुछ डी गोट फार्म की तरफ से अपडेटेड जो वीडियोस रहेगी इंशाल्लाह मार्केट में आएगी और आप लोगों को शॉक कराएंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ देने के बकरे होंगे तो वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। वो बकरे के लिए अगर किसी को इंक्वायरी करना हो तो दानिश भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग आओ देखो पसंद करो उसके बाद सौदा करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।